कल पटना के गांधी मैदान में महारैली होने वाला है, जन विश्वास महारैली। और बिहार के दिग्गज विपक्ष के जो दिग्गज नेता हैं, देश भर के राहुल गांधी हो चाहे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सब एक साथ एक मंच पे आने वाले हैं। लाखों लोगों के आने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उन लाखों लोगों के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था भी किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। मेरे पीछे आप देखिए कितने बड़े बड़े हाथ में ये इतना बड़ा बड़ा पूरी जो है ये उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो लोग कल के इस रैली के लिए आज ही पटना पहुंचेंगे। इस वक्त हम बिहार के पूर्व खेल मंत्री जितेंद्र राय के सरकारी आवास पे मौजूद हैं। और सबसे पहले पूरी का ये साइज देखिए भैया, कौन सा पूरी बोलते हैं इसको? ये हाथी का कान का पूरी बोलते हैं। हाथी कान पूरी, देखिए ये वही पूरी है जिसकी जिसके साथ तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की एक तस्वीर जो है वो खूब वायरल हुई थी। तेजस्वी यादव ने ऐसे ही ठीक ऐसे ही इस पूरी को अपने हाथ में ले रखा था। और भी कई सारे पकवान जो है वो बनाए जा रहे, देखिए किस तरीके से बूंदिया बनाया जा रहा है और काफी स्वादिष्ट स्वादिष्ट सब्जी जो है वो भी बनकर तैयार है। लोग आज से ही आने लगेंगे और उनके लिए उत्तम व्यवस्था कर दी गई है। अभी बलियाही पूरी क्या है? सिवान दुरावधा को सर रहने वाले हैं। अच्छा, आप ही लोग बना रहे हैं? जी सिवान से। कितना बड़ा बड़ा पूरी है ये देखिए, हाथ में उठा रहे हैं और पूरा बड़ा बड़ा जो कढ़ाई है उस कढ़ाई में मात्र एक ही पूरी आ रहा है। और देखिए ये पूरी जो है बनाया जा रहा है और गर्मा गर्म पूरी आज के इस कल के इस प्रोग्राम में आने वाले लोगों को खिलाया जाएगा जो आज ही पटना पहुंचेंगे। देखिए कितना सारा सामान जो है वो रखा गया है और कह सकते हैं कि बड़े बड़े बर्तनों में सब्जियां जो है यानी हजार लोगों के लिए खाना जो है वो बनवा करके रख दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व खेल मंत्री जितेंद्र राय जी हैं। इतना बड़का बड़का पूरी बनवा रहे हैं, कितना लोग आ रहा है? 6-7 हजार लोग यहाँ आएगा। 6-7 हजार लोग खाली आपके आवास पे? जी जी जी। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था है, मतलब कितने तरह का पकवान बना है? पकवान पूरी बना है, बुनिया बना है, सब्जी बना है, यही सब रात के लिए बना है और सुबह के लिए फिर दूसरा मेनू है, चावल दाल सब्जी पापड़ ये सब बना है। पूरा व्यवस्था कर रखे हैं मतलब? हाँ हाँ, तैयारी। अब लोग हमारे आ रहे हैं और उनको कोई कठिनाई नहीं हो इसलिए पूरी तरह से हम लोग तैयारी किए हैं और सभी लोग पूरी उत्साह और उमंग के साथ पटना के लिए प्रस्थान भी कर चुके हैं। मंत्री जी, आना शुरू हो गया। एक तरफ तो आपके विधायक लोग टूट रहे हैं, लोग समझ रहे होंगे कि आरजेडी का हौसला जो है वो गिर रहा है, लेकिन इसको देख करके लगता नहीं कि आप लोग का हौसला? देखिए वो सब केवल हमारे समझ से, ये जो अभी पूरे बिहार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी जो घूमे और जो भीड़ हो रही थी उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डर गई है और उसी का नतीजा है कि वो हमारे तमाम विधायकों को प्रलोभन देकर तोड़ फोड़ करने का प्रयास कर रही है। तो उससे कुछ होने उन्हें को नहीं है। आने वाले दिन में जो 2024 और 25 का चुनाव है पूरा बिहार की जनता जान रही है, ये तमाम जो भागे हुए लोग हैं उनको सबक सिखाने का काम करें। तो केवल खाने पीने का ही व्यवस्था या कुछ और भी व्यवस्था आप लोग की तरफ से कराया गया जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? एकदम, देखिए सब व्यवस्था कराया गया है, कोई परेशानी नहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी सुनने में आया है कि व्यवस्था करवाए हैं आप? तो हमारा जिला में तो वो कलाकारों का कमी है नहीं। अच्छा, और छपरा जिला से आते हैं आप? तो छपरा सिवान गोपालगंज इस सब इलाका में तो तमाम कलाकार चर्चित जो है, भोजपुरी का गढ़ कहा जाता है। हाँ, तो वो सब लोग आएंगे, सब लोग यहाँ पर अपना कार्यक्रम करेंगे। उन लोग का इच्छा था कि हम लोग भी रैली में शामिल हो। तो मंत्री जी हम चाहेंगे, माफी देगा पूर्व मंत्री जी, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जो है आप हमको वो भी नजारा दिखाइए और हमारे दर्शकों की क्या व्यवस्था है और क्या क्या होने वाला है इधर। इधर क्या, टेंट में हम लोगों ने लोगों को सोने के लिए व्यवस्था किए हैं और कार्यक्रम को देखने के लिए व्यवस्था किए हैं, तो ये सब चीजें हैं और उस पर काम चल रहा है और लोग जैसे जैसे आएंगे खाना खा के कार्यक्रम को देखेंगे। इतना सारा यहाँ पे गद्दा बिछवा रखे हैं, सामने देखिए पोस्टर भी लगा हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रम, तेजस्वी यादव की तस्वीरें हैं और पूर्व मंत्री जितेंद्र राय जी आपकी तस्वीरें हैं। इसमें कितने लोग रात में बैठेंगे? सब लोग का सोने का व्यवस्था यही है? आप इसका देख सकते हैं कितना बड़ा है, तो इसलिए हम लोग तो जो जितना लोग को बोले हैं कि 6-7 हजार लोग, तो उतना लोग तो आराम से बैठ ही सकता है। कौन कौन से कलाकार जो है वो आज यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम लिखा है यानी कि एकदम मनोरंजन सब लोग होने वाला है, रात भर कोई बोर नहीं होंगे। बहुत कलाकार आ रहे हैं और हम समझते हैं किसी एक का नाम लेना उचित नहीं होगा। एक दो बता दीजिए क्योंकि आप जिस जिले से हैं और जिस जिले का आप जिक्र कर रहे हैं, जिले के जितने कलाकार हैं लगभग सब आ रहे हैं, आपके जिले के सभी कलाकार आ रहे हैं। हाँ, मतलब देखिए उत्तम व्यवस्था की गई है, जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वो बोर नहीं होंगे, रात भर मनोरंजन होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम से और सुबह जोश के साथ जो है पटना के गांधी मैदान में सभी कार्यकर्ता सभी महागठबंधन के समर्थक पहुंचेंगे, क्योंकि आरजेडी की तरफ से तो ये दावा ही किया जा रहा है कि कम से कम 10 लाख लोग जो है
वो कल आएंगे और हमारे साथ पूर्व खेल मंत्री जितेंद्र राय थे और हमारी मौजूदगी उनके सरकारी आवास में थी जहां पर रात में करीब 5 से 7 हजार लोग रुकने वाले हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है और ठहरने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी व्यवस्था किया गया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।